Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Gurukul classes. चलिए हम लोग गुरुकुल क्लासेज के साथ कदम से कदम मिलाकर मैथ सीखते हैं। जब तक कदम से कदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग नहीं चलेंगे मैथ में, तो मैथ सीखने का चीज़ ही नहीं है। यानी हम लोग सीखेंगे जीरो टू हाई लेवल मैथ। कैसा सीखेंगे? जीरो टू हाई लेवल। पहले हम लोग देखेंगे क्या जीरो लेवल का, यानी हम लोग हंसते खेलते मैथ को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ज़रा देखिए, आइए मेरे साथ स्टेप बाई स्टेप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है? जो भी विद्यार्थी मेरे साथ इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का काम करना होगा। जैसे क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से हमें लिखना होगा। तो कहता है क्या, एपी के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45। अब जैसे ही दो बात पढ़े, एपी के प्रथम पद 5, तो हम लेके आए प्रथम पद, रुकिए तो लिख लेते हैं पहले इसको। तब प्रथम पद 5, अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है, तो हम लोग एन से स्विच करते हैं ना, तो क्या है 45। और कहता है योग, योग मतलब हमारा बताए हैं सर क्या होता है, टोटल, यानी जकरा कहते हैं हम लोग एस एन, यानी कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कितना है 400, तो कह देंगे क्या एस एन बराबर क्या होता है 400। अब जरा इससे आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है, और हम लोग उछल के आगे आ गए, तो कहता है पदों की संख्या, यानी कह रहा है इसमें कितना टर्म होगा, कितना रेल का डिब्बा इसमें लगा होगा, तब ना हमारा बनेगा समानांतर श्रेणी, तब ना बनेगा एक रेल। रेल का निर्माण होगा, जब तक ले डिब्बा नहीं रहेगा तो क्या रेल का निर्माण हो सकता है का, नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें पद भी होना बहुत आवश्यक है। तो कहेंगे पद की संख्या, तब पद को हम लोग कहाँ से सूचित करते हैं, तो कहेंगे क्या नंबर ऑफ टर्म, यानी एन से सूचित करते हैं। और लगा दिए बाबा जी के बकुली, तो कह दिए कि इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब जरा आगे देखिए, अब कहता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, तो कहते हैं सार्वंतर ही जो अगलका में से पिछलका को घटाएं, और जो हमारा प्राप्त होता है हर एक टर्म से, वही कहलाता है सार्वंतर। तो हम लोग कहेंगे क्या डीओ फाइंड करना है क्या, तो कह देंगे हाँ जी डी भी फाइंड करना है। तो दो चीज़ पता चला इसमें, दो चीज़ फाइंड करना है, और एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो ज़्यादा बड़ा समस्या है, तो कहा एन आई एस एन देवल है। तो हम लोग एगो शॉर्ट वाला फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो कहे थे एस एन बराबर एन बाई टू एन टू ए प्लस एल, क्या पढ़े थे हम लोग, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद क्या होता है हमारा एस एन होता है। तो जरा देखिए एस एन का वैल्यू का देवल है, तो हम लोग कहेंगे एस एन का वैल्यू 400 है, ठीक है ना। आ एन के वैल्यू का हम लोग को पता है, नहीं ना पता है, तो क्या कहेंगे ए के वैल्यू पता है का, तो जी हाँ ए के वैल्यू कितना पता है, तो 5 पता है, प्लस अंतिम पद कितना है जी, तो 45 है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, तो 400 बराबर एन बाई टू इन टू 50, ठीक है, कितना है 50। अब जरा देखिए 50 है तो हम लोग काट देंगे का, 25 दूना 50। अब जरा देखिए तो एन बराबर हम लोग क्या कहेंगे, तो एन बराबर कहेंगे 400 बटा 25। अब जरा देखिए तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं का, 4 × 100 बटा 25, 25 × 100, तो x का वैल्यू कितना आया जी, तो हम लोग कहेंगे सॉरी x का वैल्यू लिख दिए, यहाँ पे हमारा n का वैल्यू होना चाहिए ना, तो n का वैल्यू कितना आया, तो n का वैल्यू 16 आया ना, तो n का वैल्यू जो 16 आया, तो हमने कह दिया कि n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या पूछ रहा था d का, तो रुकिए रुकिए d के लिए हम लोग लगाते हैं फार्मूला बड़का लमहर, जिकरा कहते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक पद क्या होता है, तो हमारा व्यापक पद होता है, जरा देखिए व्यापक पद को लिखते हैं हम लोग n बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये हमारा होता है का फार्मूला। तो एन कितना देवल है जी 45, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे का 45, ए कितना है 5 है, और एन कितना है 16,
तो हम लोग लिखेंगे 16 - 1 = d। अब एक इन्हें भेज देंगे तो क्या होगा, -5 = 15d। अब ज़रा देखिए ये क्या हो जाएगा, 40 = 15d। तो हम लोग क्या कहेंगे, d = 40/15। अब ज़रा देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या, d का वैल्यू कितना आया, तो d का वैल्यू 8/3 आया। तो किसका वैल्यू आया, d का। तो हम लोग देखिए जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इजी वे में फाइंड करना सीखे हैं, ठीक ना, हंसते खेलते मैथ को सीखेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिलाकर चलिए हमसे और हम मैथ सिखाने का जिम्मा लेते हैं। हम जो बच्चा को मैथ ना आता है तो उसे बच्चा को बेसिक से मैथ सिखाने का प्रयास करूँगा, हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा ये हर एक बच्चा मैथ में अव्वल बने। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि बहुत बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग मंडे टू बैक क्लासेज यानी लाइव क्लास लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो मंडे और वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और सैटरडे, यानी सप्ताह में 4 दिन हम लोग क्लास 10th के लिए, जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे उनके लिए बैक टू बैक क्लासेज लेकर के आ रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। उसमें भी क्या है, लाइव क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ और स्टार्टिंग वीडियो जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री से, और लाइव आना ना भूले 7 बजे। हम लोग आ रहे हैं कब लाइव, तो 7 PM से लाइव होंगे स्पेशल फॉर मैथ। जो बच्चा वीक होंगे मैथ में वो मेरे साथ लाइव क्लासेस से जुड़ने का प्रयास करें और जीरो लेवल से मैथ सीखने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इस वीडियोज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चों के पास पहुंच सके हमारा वीडियोज और वो बच्चा मैथ सीख सके।